नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। पुलिस प्रशासन ने समाज में बढ़ रहे नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नशा मुक्ति अभियान चलाया। इसमें नार्कोटिक सेल और स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं आम जनता की ओर से लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। उन्होंने लोगों को बताया कि नशा छोड़कर हम सभी अपने आप को नशा मुक्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का नशा मनुष्य के लिए सही नहीं है। हमें हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत बना सकें। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। प्रोग्राम का ऐसा है, आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में 26 जून का दिन मना रहे हैं और पूरा राष्ट्र पूरा विश्व इस दिन को मना रहा है। और इस संबंध में हमने अपने जिला पुलिस की तरफ से, अपने एसपी साहब की तरफ से, डीएसपी साहब आशीष चौधरी हैं उसके आदेश पर हमने एएनसी की टीम और सीएस एचओ के साथ मिलकर और अपने एंटीकरप्शन के सदस्य हैं जो हमारे भाई हैं उनके साथ मिलकर ये जागरूक रैली निकाली है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना ताकि लोग जागरूक हो सके और नशे को छोड़ सके और अपने घर और परिवार को समझा सके। प्रोग्राम रखा गया है आज 26 जून वर्ल्ड वाइड जो है आज टेररिस्ट डे और अब्यूज डे है, जिसके अंदर सबको ये बोला जाएगा, समझाया जाएगा कि जो ड्रग्स है वो बहुत ही हार्मफुल है। खुद के लिए तो है ही है, मैं अपने परिवार के लिए बहुत दुखीदायक है। अगर एक भी इंसान ड्रग्स से हमारे को छुटकारा मिल जाएगा तो हम कहेंगे हमारा जीवन सफल हो गया। हम जो ये अभियान चल रहा है, इस अभियान में हम हर एक घर में जाएंगे, तकरीबन हर एक को एक ही बात बोलेंगे, एक तो नशे को छोड़ने के लिए, दूसरा अगर आपको कोई भी संबंधित व्यक्ति जो ये दारू ये बेच रहा है और कोई अपना जानकारी पुलिस को दे या हमारे एंटी करप्शन को दे ताकि हम उनके तरफ उचित से उचित कार्रवाई कर सकें। हम सबसे एक ही निवेदन करते हैं नागरिकों को कि ये नागरिक जो थे भारतीय नागरिक हैं, आप ये ना सोचें कि आप पुलिस का साथ दे रहे हैं, आप ये सोचें कि आप अपने परिवार का साथ दे रहे हैं। अगर आप इस जो ये ड्रग अब्यूज है उसको आप छुटकारा देना चाहते हो तो आपको पुलिस का साथ देना चाहिए। और ये लड़ाई हमारी अकेली लड़ाई नहीं है, ये पूरे एक हिंदुस्तान की लड़ाई है। हमें इसको जड़ से मुक्त करना है, इसके लिए हमारे को समाज का साथ जाना साथ देना बहुत उचित है। और हमें भी साथ दें, हमारे पुलिस का भी साथ दें और अपने परिवार का भी साथ दें। हो सके जहाँ पे भी ये बिक रहा है, जो भी ये अपने ड्रग्स बिक रहे हैं उसका पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बताया जाए। हाँ, उनका नाम कुछ भी है, अगर ये कई बार ये हो जाता है कि लोग कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे, हम किसी चीज़ में फंसना नहीं चाहते, ये हम आश्वासन देते हैं, हम और हमारी पुलिस की टीम ये चीज़ का आश्वासन देती है कि उस व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा, गुप्त के आधार पे उस जो बेच रहा है उसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।